हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को मक्कड़ उत्पास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपके मन में जरूर आया होगा कि कभी तो कश्मीर घूमने जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को देखकर आपका प्लान अब बन ही जाएगा। एक गारंटी मैं आपको जरूर दूंगा, अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट देख लोगे तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा लोगे, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे आपके अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं और आप यहाँ बार्गेनिंग जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले आपको सबसे पहले, जिससे आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर लुटने से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हिंदुस्तान के स्वर्ग में। दोस्तों, कश्मीर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद आपको घूमना है श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। तो आपको कश्मीर कैसे घूमना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको आना होगा श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर वेल कनेक्टेड है बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जिसमें इकोनॉमी क्लास में करीब 3600 रुपए का टिकट है। इसके अलावा आप जहां से भी आ रहे हैं वहां से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट देख लीजिए। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है बाय ट्रेन। ट्रेन से आने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन लाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद ट्रेन ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी आप जम्मू तक आ सकते हैं। जम्मू देश के सभी बड़े बड़े शहरों से रेल मार्ग द्वारा बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। जम्मू से श्रीनगर आने के लिए आप बाय ट्रेन उधमपुर तक आ सकते हैं। और यदि आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन से कटरा तक आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप उधमपुर, जम्मू या कटरा कहीं भी मौजूद हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा बनिहाल, और बनिहाल तक आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेल मार्ग स्टार्ट नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है। आने वाले कुछ सालों में ये रेलवे ट्रैक भी शुरू हो जाएगा। उधमपुर से बनिहाल का ये खूबसूरत सफर सिर्फ 93 किलोमीटर का है। अगर मैं बात करूं जम्मू से तो जम्मू कश्मीर रोडवेज की बहुत सारी बसेस चलती हैं जो आपको बनिहाल ड्रॉप कर देंगे। आप चाहें तो इन्हीं बस में डायरेक्ट श्रीनगर जा सकते हैं। अगर आप कटरा में मौजूद हैं तो डायरेक्ट कोई बस अवेलेबल नहीं है, ना ही बनिहाल तक और ना ही श्रीनगर तक, आपको उधमपुर तक मिल जाएगी। आपको यहाँ शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी, या फिर आप बनिहाल तक पर्सनल टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें आपको करीब 5 से 6 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे, या फिर आप कुछ लोग मिलकर एक टैक्सी बुक कर लें तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप 6 से 7 लोग हैं तो कटरा से टूर एंड ट्रेवल के थ्रू अपना 5 डे और 6 नाइट का टूर पैकेज बुक कर लें, जो कि आपका 7 लोगों का 24 हज़ार के आसपास पड़ेगा, जिसमें आपको एक 7 सीटर गाड़ी मिलेगी और रहने के लिए होटल भी। 3 नाइट का स्टे आपका श्रीनगर में रहेगा होटल में, जिसमें आपको 2 रूम्स दिए जाएंगे, और 1 नाइट का स्टे आपका डल लेक में बोट हाउस में रहेगा, जिसमें आपको 3 आलीशान रूम दिए जाएंगे, और 1 नाइट आपका पहलगाँव में रहेगा। उसके बाद आपको जम्मू रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इससे सस्ता पैकेज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको पर पर्सन कॉस्ट करीब 3450 रुपये आएगी। इसमें आपका खाना पीना, एक्टिविटीज चार्ज और आपकी ट्रेन, बस और फ्लाइट का टिकट इंक्लूड नहीं है। इस पैकेज को बुक करने के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये टूर एंड ट्रेवल आपको कटरा मैन चौराहे पर ही मिल जाएगा, और यदि आप बसेस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप कटरा से उधमपुर तक भी जा सकते हैं, जिसमें आपको 100 से 120 रुपए पे करने पड़ेंगे, और आप उधमपुर से बनिहाल तक इजीली जा सकते हैं, जिसमें आपको 150 रुपए के आसपास पे करने पड़ेंगे। और बनिहाल से श्रीनगर के बीच में ट्रेन चलती है, जिसका जनरल क्लास का टिकट मात्र 35 रुपए का है, और आपका ये 1.5 से 2 घंटे का सफर बेहद ही खूबसूरत रहेगा। बनिहाल से श्रीनगर की लास्ट ट्रेन शाम को 7 बजे तक मिलेगी, और ये दूरी मात्र 109 किलोमीटर है, और आपका ये सफर भी बेहद खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरत वादियों से होकर वो ट्रेन निकलेगी,
और आपको रास्ते में बेहद ही खूबसूरत सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बाय रोड, या तो आप बसेस के थ्रू आ जाइए या फिर आप टैक्सी या अपना खुद का वाहन लेकर आ जाइए। अगर आप बाय बस आते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर के लिए बसेस अवेलेबल हैं और ये 800 किलोमीटर का सफ़र तय करने में आपको 20 से 22 घंटे का समय लग जाएगा। ये बसेस आपको दिल्ली के सराय कालेखा ISBT से मिलेंगे। यहाँ से वॉल्वो बस में किराया करीब 2200 रुपये, सेमी डिलक्स नॉन AC बस में किराया करीब 1800 रुपये और ऑर्डनरी बस में किराया करीब 1600 रुपये है। ये तीनों ही बसेस जम्मू कश्मीर रोडवेज की हैं जो कि यहाँ से दोपहर 1 बजे एक साथ निकलती हैं। इसके अलावा आप देश के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट ट्रेन के थ्रू भी जम्मू तक आ सकते हैं। उसके बाद जम्मू बस स्टैंड से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगे जो डायरेक्ट श्रीनगर तक जाती हैं, और यदि आप कटरा में मौजूद हैं तो भी आप जम्मू आ सकते हैं। यदि आप बसेस की डिटेल लेना चाहते हैं तो दिल्ली की एक वेबसाइट है www.dtidc.co.in और जम्मू कश्मीर के लिए www.jksrtc.com पर जाकर आप बसेस की डिटेल ले सकते हैं। और यदि आप अपना वाहन लेकर बाय रोड आना चाहते हैं या फिर टैक्सी के थ्रू आना चाहते हैं तो टैक्सी आप जम्मू से भी हायर कर सकते हैं या फिर अपने घर से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बजट पर। बट अपना वाहन लाने का एक फ़ायदा और भी है। फ़ायदा ये है कि श्रीनगर से करीब 55 से 60 किलोमीटर पहले एक रास्ता डाइवर्ट होता है पहलगांव के लिए, तो ऐसे में आप चाहें तो पहले पहलगांव जा सकते हैं और श्रीनगर बाद में। तो दोस्तों ये बात हुई श्रीनगर तक पहुंचने की। अब बात करते हैं कि श्रीनगर में हमें स्टे कहां करना है। स्टे करने के लिए आपको यहां होटल और रिजॉर्ट्स इजीली मिल जाएंगे, बट श्रीनगर का नाम सुनते ही सबके मन में डल झील का नाम आता है। और यहां आने के बाद यदि हम डल झील में मौजूद हाउस बोट में ना रुकें तो हमारा मज़ा अधूरा रह जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। देखिए श्रीनगर में एक है डल झील और एक है डल गेट। अगर आप डल झील के नाम से जाएंगे तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे, इसीलिए आपको जाना होगा डल गेट पर जहां पर सभी टूरिस्ट आते हैं। यहां पर आप शिकारा बोट भी इंजॉय कर सकते हैं। श्रीनगर में हाउस बोट में रुकने का एक अलग ही एडवेंचर रहता है। हाउस बोट का जो किराया है वो करीब 1000 से 2000 रुपये या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। बाकी कुछ सस्ती हाउस बोट भी हैं जो 700-800 रुपये में आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर आप ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। डल झील में हाउस बोट की कोई भी कमी नहीं है, बहुत सारी हाउस बोट डल झील में बनी हुई हैं। आप चाहें तो फूड भी साथ में ऐड करा सकते हैं, बट चार्जेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। आप चाहें तो विदाउट फूड भी हाउस बोट बुक करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाउस बोट में रुकने के बाद अगर हमें श्रीनगर की दूसरी साइड पर घूमने जाना है तो कैसे जाएंगे। देखिए जितनी भी हाउस बोट हैं उनकी सबकी एक एक शिकारा बोट होती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रोड तक पहुँचाने की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हाउस बोट में स्टे नहीं करते हैं उसके बाद डल झील इंजॉय करना चाहते हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि श्रीनगर में आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं। श्रीनगर आने के बाद डल झील में घूमना तो बनता है, वो हम करेंगे शिकारा बोट से। बट सर्दियों में डल झील पूरी तरह जम जाती है, उस समय आप यहां शिकारा राइड नहीं कर सकते क्योंकि डल झील उस समय इतनी ज़्यादा जमी हुई होती है कि यहां के स्थानीय लोग इस पर क्रिकेट तक खेलते हैं। अब बात करते हैं कि शिकारा बोट में घूमने के तरीके क्या क्या हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी साइट्स कवर करनी हैं, क्योंकि डल झील में बहुत सारे साइट सीन हैं और जो आपको कवर करने चाहिए उनमें से कुछ हैं लोटस गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, वाटर लिली गार्डन, गोल्डन लेक, फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, मीना बाजार, ओल्ड मार्केट। ऐसे कई सारे अलग अलग करीब 10 से 12 पॉइंट हैं जो आप डल लेक में शिकारा बोट में घूमते हुए इंजॉय कर सकते हैं। सबके चार्जेस और टाइमिंग अलग अलग है, मतलब 300-400 रुपए से स्टार्ट होता है और 1000-1200 रुपए तक का पैकेज रहता है पर बोट, जिसमें 3-4 लोग शिकारा बोट में आराम से बैठ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। 300-400 रुपए वाला शिकारा बोट राइड है, उसमें वो आपको 5 से 6 पॉइंट कवर कराएंगे और 1 घंटे का समय आपको लगेगा। और जो 1000-1200 वाला शिकारा बोट राइड है
उसमें होगा ये कि वो आपको डल झील के 10 से 12 पॉइंट घुमाएंगे और करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। जो आपके बजट में हो वो आप बुक कर लीजिए। श्रीनगर या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि श्रीनगर में 1000 से 1200 रुपये वाले पैकेज के वो लोग आपसे 4 से 5 हज़ार रुपये मांगेंगे। इसके अलावा आप श्रीनगर में शंकराचार्य टेम्पल देखने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो डल झील से भी आपको पहाड़ों पर शंकराचार्य टेम्पल दिखाई देगा और शंकराचार्य टेम्पल जाने के बाद आप वहां से पूरे श्रीनगर का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा श्रीनगर में घूमने के लिए परी महल, चश्मे शाही बाग, निषाद बाग, ट्यूलिप गार्डन, शालीमार गार्डन, नागिन लेक, हजरत बल और श्रीनगर का आइकॉनिक लाल चौक भी जरूर घूमने जाएं। इन सब की दूरी अलग अलग है, तो आप चाहें तो श्रीनगर आने के बाद पैकेज वाली टैक्सी भी बुक कर सकते हैं अलग अलग साइट्स को कवर करने के लिए। आप चाहें तो अपनी गाड़ी से भी ये सारे साइट सीन कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टैक्सी में कितना खर्चा आता है। अगर आप सिर्फ मुगल गार्डन कवर करते हैं जिसमें चश्मे शाही, निषाद बाग और शालीमार गार्डन है, तो उसमें टैक्सी वाले आपसे करीब 1200 रुपये चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर आप परी महल, हजरत बल और कुछ एक दो मंदिर भी हैं उन्हें आप कवर करना चाहते हैं तो टैक्सी वाले चार्ज करेंगे करीब 2000 रुपये। और अगर आप सिर्फ शंकराचार्य टेम्पल देखने जाना चाहते हैं तो करीब 600 रुपये टैक्सी वाले चार्ज करेंगे। अगर आप पूरे श्रीनगर ओल्ड सिटी का एक राउंड करना चाहते हैं टैक्सी के थ्रू तो करीब 1000 रुपये वो चार्ज लेंगे और पूरे श्रीनगर को घुमाकर ले आएंगे। कोई अलग साइट सीन नहीं कराएंगे लेकिन पूरा श्रीनगर आपको घुमा देंगे ताकि आप श्रीनगर के कल्चर को समझ सकें, वहाँ की सड़कों को देख सकें और कुछ खास खास पॉइंट भी आपको दिखा देंगे। अगर आप सिर्फ परी महल और चश्मे शाही कवर करना चाहते हैं तो 900 रुपये टैक्सी वाले चार्ज करेंगे। तो ये हैं कुछ टैक्सी के चार्जेस जो आपको श्रीनगर में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं तो एयरपोर्ट से होटल तक लाने के करीब 1000 रुपये चार्ज करते हैं टैक्सी वाले और आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के करीब 700 रुपये चार्ज करेंगे। तो ये हैं कुछ टैक्सी के चार्जेस श्रीनगर के। और यदि आप ये सब ऑटो से करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी कम पड़ जाएगा। आप यहां ऑटो भी बुक कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसके थ्रू कवर कर सकते हैं। अब एक रात आप श्रीनगर की बोट हाउस एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट डे आप निकल जाइए श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। श्रीनगर से गुलमर्ग के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी के थ्रू 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए भी अलग अलग ऑप्शन हैं। आप चाहें तो बसेस के थ्रू जा सकते हैं। वैसे श्रीनगर से डायरेक्ट आपको टंगमर्ग के लिए बस भी मिल जाएगी और टंगमर्ग से गुलमर्ग की दूरी रह जाती है करीब 13 से 14 किलोमीटर और टंगमर्ग से गुलमर्ग के बीच में हिल एरिया आता है। टंगमर्ग तक तो लगभग मैदानी क्षेत्र ही रहता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेना चाहते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग की तो वो आपको ड्रॉप करने के करीब 1500 रुपये ले लेंगे और बसेस में किराया 50 से 60 रुपये, जो कि बहुत सस्ता और आसान तरीका है। अगर आप फुल डे टूर करना चाहते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग का, यानी वो आपको पूरा गुलमर्ग घुमा के ले आएँ और वापस आपको श्रीनगर ड्रॉप कर दें, तो करीब 2500 से 3000 रुपये चार्ज करेंगे टैक्सी वाले। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप गुलमर्ग में नाइट स्टे नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप नाइट स्टे गुलमर्ग में करना चाहते हैं तो गुलमर्ग में होटल थोड़े कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा होटल भी नहीं हैं। गुलमर्ग में एक रूम का किराया 1700-1800 रुपये से स्टार्ट होता है, जो आपका 5 से 6 हज़ार रुपये तक जाता है। वो डिपेंड करता है सीजन पर। सर्दियों में अगर आप गुलमर्ग आते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। पूरा गुलमर्ग बर्फ से ढका रहता है। उस समय चार्जेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सर्दियों में आते हैं। यदि आप गर्मियों में आते हैं तो गर्मियों में भी गुलमर्ग घूमने का एक अलग ही मज़ा है। होटल का किराया तब भी हाईफाई ही रहता है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो गुलमर्ग आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यदि आप टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी आपको टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देगी, जहाँ से रोपवे का डिस्टेंस सिर्फ 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप हॉर्स राइड के थ्रू रोपवे फेज 1 जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। आपको घोड़े वाले 2 से 3 हज़ार रुपये भी कहेंगे, लेकिन आपको 500 रुपये के आसपास की बार्गेनिंग करनी है। और यदि आप गोंडोला
यानी रोपवे से जाना चाहते हैं तो गोंडोला राइड के लिए भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप वहां पहुंच जाना, क्योंकि कभी कभी लाइन में भी 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए आप सुबह 9 बजे से पहले ही वहां पहुंच जाइए तो आप बहुत ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे। यदि आप पीक सीजन में आते हैं तो गोंडोला राइड का टिकट आप एडवांस में ही ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको टिकट ना भी मिले। गोंडोला राइड 2 फेज में होती है, जिसमें किराया गुलमर्ग से कांगडोर तक का करीब 740 रुपये है, जो कि राउंड ट्रिप का है, और 1 घंटे में 1,500 पैसेंजर को ले जाने की कैपेसिटी भी उनकी है। फेज 2 कांगडोर से आपको टॉप व्यू पॉइंट तक लेकर जाएंगे, 1 घंटे में वहाँ भी 600 पैसेंजर चलते हैं और वो भी बहुत खूबसूरत राइड रहेगी। टिकट है उसका 950 रुपये राउंड ट्रिप का, और फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का एक साथ टिकट ले लीजिए तो 1690 रुपये का टिकट बनेगा। 3 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता है, और 3 साल से ऊपर के सभी बच्चों और अडल्ट का फुल टिकट आपको लेना पड़ेगा। गुलमर्ग का जो रोपवे है वो एशिया का हाईएस्ट रोपवे के नाम से भी जाना जाता है। टॉप व्यू से आप नंद देवी, पीर पंजल रेंज और एलओसी का भी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप फेज 3 भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बेसिकली चेयर लिफ्ट होता है, जिसमें आपको मैरी शोल्डर तक ले जाया जाता है, और इसका चार्ज 270 रुपये पर पर्सन है, पर यहाँ बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्नो स्कूटर, स्नो मोबाइल आप एंजॉय कर सकते हैं 4 अलग अलग पॉइंट्स में, K1, K2, K3, K4। सबके चार्जेस भी अलग अलग हैं। K1 का चार्ज करीब 1,000 रुपये, K2 का करीब 1,500 रुपये, K3 का करीब 1,800 रुपये और K4 का करीब 2,800 रुपये चार्ज है। दूरी और समय के हिसाब से सभी पॉइंट्स के चार्जेस अलग अलग हैं, जो आपको सही लगे आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा 300-400 रुपये में आप यहाँ स्कीइंग भी एंजॉय कर सकते हैं, स्नो बोटिंग और स्लज राइड भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी एक्टिविटीज आप स्नो के समय ही एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा गुलमर्ग में टैक्सी स्टैंड के पास ही एक शिव मंदिर भी है, यहाँ तक आप बाइक ट्रैकिंग इजीली पहुँच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, यहाँ से पूरी गुलमर्ग वैली का बेहद ही खूबसूरत व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे गुलमर्ग में बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। राजेश खन्ना का एक गाना जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर भी इसी से मंदिर में शूट किया गया था। गुलमर्ग में आप घुड़सवारी कर सकते हैं, और घुड़सवारी करते करते आप काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स को भी घूमने जा सकते हैं, जिसमें अलग अलग साइट्स के अकॉर्डिंग चार्जेस हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी वैली के साथ गुलमर्ग की सैर करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये पौनी वाले चार्ज करते हैं। अगर आप गुलमर्ग से खिलनमर्ग, 7 स्प्रिंग और वापस आप रोपवे से आना चाहते हैं तो 1,500 रुपये वो चार्ज करेंगे। फ्रोजन लेक आप देखना चाहते हैं तो 1,700 रुपये पौनी वाले चार्ज करेंगे। अगर आप द्रंग वाटरफॉल जाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं तो 1,500 रुपये वो चार्ज करेंगे। अगर आप पौनी के थ्रू गुलमर्ग में वैसे ही इधर उधर घूमना चाहते हैं तो 500 रुपये में आपको 1 घंटे के लिए पौनी वाला घुमा देगा। अब बात कर लेते हैं फूड की, तो आपको इस ट्रिप में नॉन वेजिटेरियन फूड तो बहुत इजीली मिल जाएगा, बट वेजिटेरियन फूड के लिए ऑप्शन बहुत ही कम है। अगर थाली सिस्टम की बात करें तो एक आदमी के लिए खाने पर 150 से 200 रुपये खर्च हो जाएंगे। अब आप डे 3 में गुलमर्ग से सोनमर्ग के लिए निकल सकते हैं। गुलमर्ग से सोनमर्ग की दूरी करीब 120 किलोमीटर है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय लगेगा। यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, जो ड्रॉप करने के चार्ज करेंगे 4,000 रुपये। गुलमर्ग से सोनमर्ग के लिए डायरेक्ट बस आपको अवेलेबल नहीं होगी, उसके लिए आपको पहले श्रीनगर जाना पड़ेगा, और श्रीनगर से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी सोनमर्ग के लिए, जो एक बहुत ही सस्ता तरीका है। अगर आप श्रीनगर से सोनमर्ग जाना चाहते हैं वाया टैक्सी, तो टैक्सी वाले ड्रॉप करने का 2,400 रुपये चार्ज करेंगे, और अगर आप शेयर टैक्सी लेना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी भी आपको मिल जाएगी,
बट डिपेंड करेगा टूरिस्ट वहां पर कितने हैं। सोनमर्ग में होटल आपको बहुत आसानी से और सस्ते होटल मिल जाएंगे जो 600-700 रुपए से शुरू होकर 3000 रुपए तक जाते हैं। अगर आप लद्दाख टूर करते हैं वाया श्रीनगर कारगिल, तो उसी रूट पर रास्ते में पड़ता है सोनमर्ग। जो लोग लद्दाख जाते हैं तो वो एक रात का स्टे सोनमर्ग में भी करते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती बहुत लाजवाब है। लेकिन विंटर्स में सोनमर्ग जाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू सेवरल रोड ब्लॉक्स। कई बार आपको श्रीनगर में 2 या 3 दिन का वेट करना पड़ता है रास्ता खुलने के लिए। सोनमर्ग में विंटर्स में बहुत ही जबरदस्त स्नोफॉल होता है, इसीलिए आप यदि विंटर्स में इस ट्रिप को करते हैं तो वही होटल लें जिसमें बेड वार्मर लगा हो, यानी हीटर वाला बेड, पहले कंफर्म कर लें यदि विंटर्स में जाते हैं तो। अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो आप सोनमर्ग में इन जगहों पर जरूर जाइएगा, जैसे थाजीवान ग्लेशियर, विशांसल लेक आप यहां देख सकते हैं जो पास में ही स्थित है, वाइट रिवर राफ्टिंग, स्लज राइड आप यहां एंजॉय कर सकते हैं। स्लज राइड 100 रुपये में होती है बट आपको 500 रुपये बोला जाएगा। कश्मीर में आपको हर जगह बार्गेनिंग करनी ही करनी है। यहाँ आप कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक करने के लिए निकल सकते हैं, बालटाल वैली आप देखने के लिए जा सकते हैं जो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, गंगावल ट्रैक के लिए निकल सकते हैं जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है, कृष्णासर लेक देखने के लिए जा सकते हैं लेकिन वो यहाँ से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनमर्ग तो जाना जाता है अपने ट्रैकिंग रूट के लिए, और जो लोग लद्दाख जाते हैं वो सोनमर्ग से आगे जोजिला पास होकर जाते हैं। अगर आप जोजिला पास देखना चाहते हैं तो 18 किलोमीटर की दूरी पर जोजिला पास मौजूद है। अब बात आती है पहलगांव कैसे जाया जाए। देखिए सोनमर्ग से अगर आप पहलगांव आते हैं तो दूरी है 168 किलोमीटर, उसके लिए आपको श्रीनगर वापस आना पड़ेगा और उसके बाद आप पहलगांव के लिए निकलेंगे। टैक्सी की अगर मैं बात करूं तो सोनमर्ग से श्रीनगर आपको आना पड़ेगा 2400 रुपये टैक्सी वाले चार्ज करेंगे। सोनमर्ग से श्रीनगर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है और श्रीनगर से पहलगांव की करीब 90 किलोमीटर, और टैक्सी वाले चार्ज करेंगे आपको ड्रॉप करने का 2500 रुपये। इसके अलावा शेयरिंग के भी ऑप्शन हैं, तो आप चाहें तो शेयरिंग में भी जा सकते हैं, वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। मान लीजिए आप ग्रुप में 6-7 लोग जाते हैं तो एक टैक्सी कर लीजिए और सब कंट्रीब्यूट करके एंजॉय कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की रोडवेज बसेस भी आपको मिल जाएंगे जो कि श्रीनगर बस स्टैंड से चलती हैं पहलगांव के लिए। पहलगांव बहुत ही अच्छी जगह है। पहलगांव तो जाना जाता है अपनी अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं, एक है पहलगांव से, दूसरा है बालटाल से। पहलगांव तो अमरनाथ यात्रा के लिए पॉपुलर है ही, काफ़ी लोग आप में से जानते होंगे और काफ़ी लोग आप में से अमरनाथ यात्रा कर भी चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ सही रहा तो अमरनाथ यात्रा पर भी आपको एक बार जरूर लेकर चलेंगे। होटल की अगर मैं बात करूं पहलगांव में तो 600-700 रुपए से स्टार्ट होते हैं और 2000 रुपए तक जाते हैं। अब बात आती है कि पहलगांव आने के बाद घूमने कहां कहां जाना चाहिए। वायसरन वैली आप जा सकते हैं, वायसरन वैली आप हॉर्स राइड करते हुए भी जा सकते हैं जिसमें आपको 500 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा नेगोशिएशन करने के बाद, नहीं तो पौनी वाले आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। या फिर आप चाहें तो ट्रैकिंग करते हुए भी जा सकते हैं जिसमें आपको करीब 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद आप बेताब वैली भी जा सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जिसका रेट फिक्स होता है। बेताब वैली का एंट्री टिकट 100 रुपये रहता है। बेताब वैली सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहले इस वैली को हाजन वैली के नाम से जाना जाता था, पर जब से यहाँ सनी देओल और अमृता सिंह की मूवी बेताब की शूटिंग हुई है तब से लोग इसे बेताब वैली के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप चंदनवाड़ी जा सकते हैं। चंदनवाड़ी पवित्र अमरनाथ धाम यात्रा के लिए बेस कैंप है और यहाँ से अमरनाथ शिवलिंग का डिस्टेंस करीब 32 किलोमीटर है। इसके बाद आरू वैली आप देखने जा सकते हैं। सच कहूँ तो आरू वैली आपका दिल जीत लेगी, इतनी खूबसूरत जगह है। ये सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं। लिड्डर रिवर देखने के लिए आप जा सकते हैं, लिड्डर एम्यूजमेंट पार्क देखने के लिए आप जा सकते हैं, ममलेश्वर टेम्पल आप देखने के लिए जा सकते हैं, लोला वैली आप देखने के लिए जा सकते हैं, शीशनाग लेक आप देखने के लिए जा सकते हैं, रिवर राफ्टिंग आप पहलगांव आने के बाद भी इंजॉय कर सकते हैं। गोल्फिंग के लिए भी यहाँ एक बहुत अच्छा ग्राउंड बना हुआ है, गोल्फिंग भी आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं।
बजरंगी भाईजान की फिल्म मुन्नी में जो मुन्नी का घर था वो आपको पहलगांव में ही देखने को मिलेगा, और उसमें जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया गया था वो भी आपको पहलगांव में मिल जाएगा। तो ये थी चारों हिल स्टेशन की जानकारी। इसके अलावा कुछ टिप्स भी आपको दे देते हैं कि कैसे सक्सेसफुली आप इस टूर को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पर्सनल कार लेकर आते हैं या टैक्सी लेकर आते हैं तो बहुत सारे टोल गेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जगह जगह आपको टोल टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप तैयार होकर आइएगा। बट आप जो टैक्सी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी उसके थ्रू जाते हैं तो उसी पैकेज में आपका टोल टैक्स भी इंक्लूड रहेगा। सिम कार्ड की मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो या तो आपके पास पोस्टपेड सिम होना चाहिए या फिर आप कश्मीर में आने के बाद वहाँ से यात्री सिम ले लीजिए। यदि आप वैष्णो देवी यात्रा करके आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो कटरा में ही आपको यात्रा सिम मिल जाएगा, वो ले लीजिए। जम्मू में भी आपको यात्रा सिम मिल जाएगा जो स्पेशली टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है, वो ले लीजिए ताकि आपका फोन चालू रहे। इसके अलावा अगर आप पोस्टपेड सिम हैं तो सबसे बेस्ट है, वो तो वहाँ चालू ही रहेगी। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है, तो आप यहाँ पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं। हालांकि मानसून के महीने को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप स्नो लवर हैं तो आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आ सकते हैं। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी, बट बहुत जगह रोड बंद हो जाती है स्नोफॉल की वजह से। इसके अलावा गर्मियों का मौसम यहाँ आने के लिए सुखद रहता है। दोस्तों, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो उस वक्त यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो फिर आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ सकता है। उस वक्त पहले से ही बुकिंग करके आ जाइए तो फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं बजट की। बजट डिपेंड करता है ओवरऑल आपके ऊपर कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। अगर आप टैक्सी लेकर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि बजट काफ़ी हाईफाई हो जाएगा, बट अगर आप ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके जाते हैं तो बजट काफ़ी लो रह सकता है। वो टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। और यदि आप मेरे बताए टूर एंड ट्रेवल के थ्रू पैकेज बुक करके जाते हैं तो आपका बजट आधे से भी कम आएगा। आप मात्र 7,000 से 8,000 रुपये में 5 डे 6 नाइट का टूर कर सकते हैं, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगा इससे सस्ता। मान लीजिए कि आप 7 दोस्त या फैमिली एक ग्रुप में जाते हैं तो आप कटरा से टूर एंड ट्रेवल की गाड़ी बुक कर लीजिए तो आपको काफ़ी कम खर्चा आएगा। मान लीजिए आप 24,000 की वो गाड़ी करते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट आपकी करीब 3450 रुपये आएगी, और खाना आपका 500 रुपये पर पर्सन मान कर चलूँ तो 6 दिन में टोटल 3,000 रुपये लग जाएंगे, तो कुल मिलाकर आपका 6450 रुपये हो जाएगा। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपका ये ट्रिप 7 से 8 हज़ार में हो जाएगा अगर आप मेरे बताए तरीके से जाते हैं तो। इसके अलावा आपका कोई सवाल है कश्मीर टूर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको वो सारी जानकारी मिली होगी जिसकी मदद से आप कश्मीर ट्रिप को बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं इन सभी हिल स्टेशंस का सेपरेट डिटेल्ड वीडियो लाऊं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यात्रा के साथ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।